साबूदाना, फूड कलर, नारियल का बुरादा, घी, चीनी। तो सबसे पहले एक कटोरी में साबूदाना को लेंगे, पानी डालेंगे, उसको भिगो देंगे 4 से 5 घंटे के लिए, ढक के रख देंगे। हमारे 4 से 5 घंटे लगभग हो चुके हैं, देखिए कितना अच्छा फूला हुआ है साबूदाना। अगर नहीं फूला हो तो आप 1 घंटे और छोड़ दीजिए, 6 घंटे कर दीजिएगा। एक चम्मच घी डालेंगे कढ़ाई में, साबूदाना को उसमें डाल देंगे, घी में अच्छे से भून लेंगे, चम्मच से चलाएंगे। अब एक कटोरी जो चीनी ली थी उसको मैं डालूंगी साबूदाने के अंदर, तो भी अच्छे से मिक्स कर लूंगी। मैं 1/2 कप के लगभग पानी ऐड करूंगी। चलाते रहेंगे अच्छे से। अब फूड कलर जो मैली थी उसको डालूंगी, इससे कलर और भी अच्छा लगेगा। आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं तो वैसे भी लगभग अच्छा लगेगा। और व्रत में भी खा सकते हैं साबूदाने के लड्डू, देखिए कितना अच्छा सूख गया है। जो ड्राई फ्रूट मैं तैयार की हूँ उसको बारीक काटी हूँ, उसको डालूंगी साबूदाने के लड्डू में, टेस्ट और अच्छा लगेगा। और इलायची मैं खड़ी दाने उसका बीज निकाल के डाल दे रही हूँ, प्लेट पे निकाल लूंगी। ठंडा हो चुका है, छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे लड्डू जैसा। इतना अच्छा लग रहा है। आप छोटे साबूदाने भी के लड्डू बना सकते हैं, दोनों ही अच्छे लगेंगे, बड़े साबूदाने छोटे साबूदाने कोई भी हो आपके पास। हमारा साबूदाना का लड्डू तैयार है। फिर नारियल के बुरादे से गार्निश करूंगी। इतना अच्छा लग रहा है, सब पे नारियल का बुरादा डाल दूंगी, इतना अच्छा लग रहा है। अब खरबूजे का बीज जो मैं ली हूँ उसको ऊपर से लगा दूंगी। आप काजू भी लगा सकते हैं, बादाम भी लगा सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। अब व्रत में खा सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारा बन गया है साबूदाने का लड्डू। आप माता रानी को भोग भी लगा सकते हैं और व्रत में खा भी सकते हैं, तो जरूर बनाइए।